उसी मस्ती के साथ आप सुनिए, वो चली गई, कह रही थी कि मैं जहां से आई हूं अब पागलों का इलाज होता है। ऐसा नहीं है, मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, आह वाह करते रहिएगा, इससे मुझे भ्रम रहेगा कि मैं जमा और आपको भ्रम रहेगा कि आप अकलमंद हैं। मोक्ष की उपलब्धि हो रही है, सुनेगा। कि कोई दीवाना कहता है, अरे दाद देनी है, खाज नहीं देनी है। सुनेगा, मस्ती के साथ सुनेगा, इसका वॉल्यूम बढ़ा दो भाई, मेरा कम है। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। नौजवान दोस्त मेरा साथ दें, मैं समझ गया कि तुम हो। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है। अब दिल धड़के तो उसे तालियों में बदलना। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। ये तेरा दिल, ये इस बार के सेमेस्टर में आने वाली है। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। बहुत अच्छे, तुम यहां थे, मैं तो तुम्हें आगरा में ढूंढ रहा था। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहां सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, ये पंक्ति सुनना और आप तक पहुंच जाए तो सूचित करना। यहां सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो मोती है। और एक बात और ध्यान से सुनना, आप उस दौर में हैं जब आप विशिष्ट हैं, जीवन को इस तरह जीना कि कोई मिले कभी तो खुद से नजर मिला सको। गालिब ने कहा, ये गालिब का शहर है दिल्ली, किसी से मिलने पर शेर सुनना बड़े शायर का, मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे आगे, मत पूछ के क्या हाल है। मैं आरईसी में पढ़ता था, एक सेमेस्टर छोड़कर भाग आया और यहां पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे लगा इट्स बेटर टू बी अ गुड पोएट देन अ बैड इंजीनियर। अब तो मैं अपना ही भविष्य बिगाड़ रहा होता हूं, पूरा बिगाड़ रहा हूं, तब तो मैं देश का बिगाड़ रहा होता। तब पंक्ति पढ़ता हूं, गालिब ने कहा, मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे आगे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। क्या बात, तब पंक्तियां सुनना। कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। लड़कों की खास दाद चाहिए मुझे इस पर। समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार का मोती है इसको खो नहीं सकता। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये आंसू प्यार का मोती है इसको खो नहीं सकता, मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना मगर सुन ले। और जो खुददार लोग हैं उनकी तालियां लहरती दिखाई दें। मेरी चाहत को अपना तू बना लेना मगर सुन ले, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सका, जो मेरा हो नहीं पाया। और एक मुक्तक और सुनिए, इसके बाद मैं कविता पढ़ता हूं। प्रेम में जैसा गजेंद्र सोलंकी ने बताया, भारत बड़ा हिपोक्रेट देश है, प्रेम हिंदुस्तान में एक ऐसा विषय जिसमें केवल थ्योरी की क्लास चलती है। मैं आपको चार पंक्तियां पढ़ा दू, सुनेगा चार पंक्तियां, और ये बिल्कुल मस्ती की पंक्तियां हैं। बरसों प्रेम लिखने के बाद यदि आप प्रेम करें तो क्या दिक्कत आती है देश में, सुनेगा। कि भ्रमर कोई कुमुदनी पर
मस्ती के साथ सुनना और मैं जो सुनाना चाह रहा हूँ वहीं पहुंचना, वरना स्लिप हो सकती है बात। भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का, और प्रोफेसर्स की विदा चाहता हूँ इन बच्चों के साथ। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो एक प्यार की गीत सुना।